गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है कि वे विदेशी नागरिक जो कोविड-19 की वजह से भारत में फंसे हुए हैं और जिनका वीजा एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, उनके आवेदन देने पर वीजा की अवधि 3 मई 2020 तक निशुल्क बढ़ाई जाएगी और उन पर किसी तरह की ओवरस्टे पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी। अगर विदेशी नागरिकों को ओवरस्टे की वजह से एग्जिट परमिट की आवश्यकता है तो वे 3 मई 2020 तक आवेदन दे सकते हैं। ये एग्जिट परमिट भी उन्हें निशुल्क दिया जाएगा और 17-5-2020 तक का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। यह भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए सभी विदेशी नागरिकों के लिए एक सद्भावना का संकेत है। जहां तक आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की स्थिति है वो संतोषजनक है। लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कंट्रोल रूम और हेल्पलाइंस स्थापित कर दिए हैं। सभी राज्यों ने आपदा प्रबंधन के लिए स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी क्रियान्वित किया है। इनकी डिटेल्स भी गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भी संपूर्ण देश में मजदूरों के लिए 20 शिकायत केंद्र स्थापित किए हैं। गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम भी 24/7 अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हमारी नई टोल फ्री हेल्पलाइंस 1930 और 1944 पर भी लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। इसके अलावा आज देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112 अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस नंबर से कोई भी पीड़ित व्यक्ति पुलिस, अग्निशमन या एम्बुलेंस सेवा के लिए संपर्क कर सकता है। इस सेवा को आप 112 इंडिया मोबाइल ऐप द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपातकालीन सेवा लोकेशन बेस्ड ट्रैकिंग या GPS की मदद से पीड़ित व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक करते हुए अति शीघ्र सेवा प्रदान कर सकती है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में, आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में लोगों ने इस प्रणाली का काफी उपयोग किया है। गर्भवती महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, दिव्यांग जनों ने 112 का इस्तेमाल करते हुए सहायता पाई है। कोविड संबंधी कॉल्स को भी 112 अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारी आशा ये है कि इन सब सेवाओं के द्वारा लॉकडाउन पीरियड में हम आपकी समस्याओं को सुलझा पाएंगे। धन्यवाद।